नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम इंडिया इटली रिलेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन कि करंट सिचुएशन जो है वो क्या है, उसके बाद दोनों देशों के इतिहास को देखेंगे, दोनों देशों के बीच में फिर कुछ इश्यूज हुए और इसकी वजह से रिलेशनशिप जो है ये बहुत खराब हो गया, फिर रिपेयरमेंट का काम चला, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे, ये ट्रेड के साथ जुड़े हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, और फिर दोनों देशों के लिए चाइना जो है वो क्या मायने रखता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन डिटेल। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दोस्तों, इसका फर्स्ट सेशन जो है ये लॉन्च हो चुका है, सैटरडे को इसका सेकंड सेशन जो है वो आ जाएगा, और ये सेकंड सेशन देखने के लिए, सेकंड लेक्चर देखने के लिए यू हैव टू अवेल दिस कोर्स। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो है वो आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। ये कोर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आज की डिस्कशन में आपको बताऊंगा, लेकिन आई एम श्योर यू ऑल आर ईगर टू नो अबाउट इंडिया इटाली रिलेशंस। और यहां पर आप देखिए हमारा बजाज, यू कैन सी हियर, याद है ना बजाज, राइट, हैंड गियर वाला ये स्कूटर आता था, राइट, टू व्हीलर, एंड आई एम श्योर किसी ना किसी के पिताजी के पास, या फिर आप पुरानी तस्वीरें देखेंगे देन यू विल फाइंड दिस फैमिली, जो तस्वीरें होती है ना, तो उसमें किसी ना किसी के पास तो ये बजाज होता ही है, तो इट वॉज अ वेरी कॉमन थिंग हमारे यहाँ पर। और इसकी शुरुआत जो है ना, ये बेसिकली बजाज जो है, मीन्स बजाज हमारे यहाँ की कंपनी है, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस टाइप के मोटरसाइकिल हैंड गियर वाले, राइट, तो ये कहाँ से आए, ये इटली से आए, और बहुत सारे इटालियन गानों के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और फिर हमारे यहाँ पर ये जो वेस्पा कंपनी है, उनके भी जो टू व्हीलर्स है ऑटोमेटिक, ये काफ़ी फेमस हुए हैं, राइट, मीन्स ये थोड़े अलग हैं, उनके कलर्स थोड़े अलग हैं, बहुत सारे गानों में भी उनको दिखाया जाता है, राइट। सो ये कुछ ऐसी इटालियन चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पर बहुत ही कॉमन है, ये एक कॉमन थ्रेड है जो इंडिया और इटली को एक लंबे समय से जोड़ रहा है। एंड दोस्तों, बैकग्राउंड में आपको ये जो खूबसूरत लैंडस्केप नज़र आ रही है, तस्वीर नज़र आ रही है, आई एम श्योर आपने इसको एक गाने में भी देखा है, ऋतिक रोशन का वॉर फिल्म का जो गाना है ना, घुंघरू टूट गए, उसमें यहाँ पर इस लोकेशन पर शूटिंग जो है वो की गई, आप देखिएगा उस गाने को आज। नाउ डियर फ्रेंड्स, हम इंडिया और इटली की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हैशटैग मेलोडी, ये शब्द जो है ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में था, और उसके पीछे मेन रीजन ये है कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जियोर्जिया मेलोनी, तो उन्होंने एक सेल्फी खींची थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, और फिर उन्होंने ऑफकोर्स इसको शेयर किया, और ये दोनों लीडर्स जो हैं उनके बीच में मुलाकात जो है ये COP28 के दौरान हुई, और उन्होंने ये लिखा है अपनी पोस्ट में, गुड फ्रेंड्स एट COP28 इंडिया और इटली। दिस इंडिकेट्स कि इंडिया और इटली के रिलेशंस जो हैं ये काफी ज्यादा, आई वुड से, वार्म है, राइट, काफी ज्यादा अच्छी डायरेक्शन में दोनों के रिलेशंस जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर हम इतिहास की बात करें, ये करंट की बात होगी, अब इतिहास की बात करते हैं। इतिहास को जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पता है कि दोनों देशों के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पहले हुआ करती थी, तो आज हम एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं, और ये फाउंडेशन जो है वो आज हम क्रिएट करेंगे, लेकिन ये फाउंडेशन जो है ये फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो दोनों देशों के बीच में एंशियंट सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, राइट, दोनों देश जो है ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, और दोनों देशों के बीच में आप कनेक्शंस को देखेंगे तो पिछले 2000 साल पहले के एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे, और इटालियन पोर्ट सिटीज जो है ना, ये भारत के जो मिर्च मसाले हैं, स्पाइस रूट जो था भारत का, तो उसके लिए इटालियन पोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ये मैं बात कर रहा हूं प्राचीन काल की। अब थोड़ा अगर हम मिडीएवल ईरा की तरफ आए, राइट, मध्यकालीन की तरफ अगर हम आए, तो एक बहुत ही फेमस नाम है मार्को पोलो। जनरली लोगों को लगता है मार्को पोलो शायद एक कपड़े की ब्रांड है, लेकिन ये नाम जो है वो आया है एक, आप कह सकते हैं, एक मर्चेंट, एक व्यापारी, राइट, वेनिस के थे मार्को पोलो, इटली के थे बेसिकली, आप उनकी एक स्टब जो है वो देख सकते हैं, और 13th सेंचुरी में वो भारत की यात्रा पर आए थे, और उनका जो अनुभव है उसके बारे में उन्हें बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी, भारत की काफी प्रशंसा की एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उस समय से इंडिया जो है, भारत जो है, वो इटालियन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बन गया। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, राइट, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो 1926 में इटली की विजिट पर गए थे, और ये विजिट जो है उनके लिए अरेंज करवाई थी कार्लो फॉर्मिची नाम के एक प्रोफेसर साहब ने, और ये जो प्रोफेसर है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के संस्कृत के प्रोफेसर थे, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहब को बुलाया था, इटली बुलाया था। फिर महात्मा गांधी साहब, राइट, महात्मा गांधी जी जब गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो 1931 में फिर लंदन से वो रोम की यात्रा पर गए, और हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, दे वेर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन रेवोल्यूशनरी माज़ीनी, उनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, राइट, खास करके रेवोल्यूशनरीज। प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं उन्होंने
वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उनको इटली में डिप्लॉय किया गया था, और इसके साथ भी एक जुड़ी हुई कहानी है। मैं अब उसकी और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन लेट मी गिव यू ब्रीफली कि इटाली के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी उनके मीन्स उन गांव वालों के लिए भारत के प्रति एक अलग सा ही रिस्पेक्ट है। पता है क्यों? क्योंकि जब ये विश्व युद्ध दो के दौरान क्या मीन्स वर्ल्ड वॉर जब होता है तो कई बार क्या होता है कि कुछ सोल्जर्स जो हैं वो रेप्स और इस प्रकार की चीजें भी करते हैं, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, जिनको वॉर क्राइम्स कहा जाता है। तो जब हमारे इंडियन सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया था ना, तो जब दूसरे सोल्जर्स इस प्रकार की चीजें करने की कोशिश करते थे तो इंडिया के सोल्जर्स जो हैं वो दरवाजों के बाहर खड़े हो जाते थे, कहते थे कि भाई नहीं, यहां पर हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार की एक मानवता जो है वो इंडियन सोल्जर्स ने दिखाई थी, और ये चीजें जो है वो इटाली के कुछ गांवों में आज भी इसको याद किया जाता है। तो ये भी एक गुडविल है हमारी। और फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो नए पॉलिटिकल रिलेशंस की स्थापना हुई 1947 में, ऑफिशियली रिलेशंस जो है उनको डेवलप किया गया पॉलिटिकल और ऑफिशियल लेवल पर, रेगुलर एक्सचेंजेस होती रही। और फिर 47 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो हमारे या फिर उनके आते जाते रहे, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो दो देशों के बीच में काफी ज्यादा बढ़ती गई। तो करंट की बात हो गई, आपको इतिहास के बारे में पता चल गया। अब यहां तक हमने क्या देखा कि 1947 के बाद चीजें जो है वो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर कुछ इश्यूज क्रिएट हुए इटली और इंडिया के बीच में। बेसिकली 2012 का ये केस है। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने सारे लोग जो है वो उस समय पर 2012 यानी कि आज से लगभग 10-11 साल पहले अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, नहीं पढ़ते आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आप पढ़ते होंगे तो यू नो अबाउट दिस केस, आपको पता होगा कि इटालियन मरीन्स का केस था। आपकी स्क्रीन पर ये दो जो आपको दिख रहे हैं ना, इटालियन मरीन्स, राइट? तो बेसिकली एक इटली का ऑयल टैंकर था, और आपको पता होगा कि जो मर्चेंट शिप्स होती हैं, राइट, तो उनमें भी कुछ ऐसे लेट्स से कमांडोज जो है उनको, नेवल कमांडोज को या फिर ऐसे मरीन्स जो होते हैं गार्ड्स, तो उनको डिप्लॉय किया जाता है कि ताकि कोई अगर पायरेसी या फिर ऐसा कोई इश्यू होता है तो फिर इनके खिलाफ ये जो ट्रेंड कमांडोज हैं वो लड़ सकते हैं। तो 2012 में ऐसा हुआ कि ये दो जो इटालियन मरीन्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक का नाम है सल्वाटोर जिरोनी और दूसरे जो हैं इनका नाम है मिसिमिलियानो लातोरे। अब इन दोनों का ऐसा हुआ कि हमारे इंडियन फिशरमैन जो थे, केरला के फिशरमैन, तो इन दोनों को ऐसा लगा कि ये दोनों जो हैं फिशरमैन, भारत के जो फिशरमैन हैं वो पायरेट्स हैं, तो इन्होंने गोलियां चलाई और हमारे इंडियन फिशरमैन जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो ये केस जो है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और फिर बहुत सारी चर्चाएं हुई। ये दोनों जो ये सोल्जर्स हैं, मरीन्स हैं ना, इटालियन मरीन्स, इनको गिरफ्तार भी किया गया, इनको केरला रखा गया था, उसके बाद उनको फिर दिल्ली ले जाया गया, फिर वहां पर इटालियन एम्बेसी में उनको रखा गया। इटाली के जो एम्बेसडर थे वो बेसिकली गारंटर के तौर पर सामने आए कि भाई मैं गारंटी देता हूं कि ये लोग देश छोड़कर नहीं जाएंगे, इनको जेल में रखना नहीं है, एक्सेट्रा। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स हुई, लेकिन एक जो लंबी कहानी है उसका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊं तो 2015 में फिर ये जो केस है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए जो हेग में है वहां पर इसको दोनों देश लेकर गए। और आपके लिए एक प्रश्न ये है कि ये जो हेग है ये किस देश में आता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट? हेग अगर कोई सिटी है लेट्स से, तो ये किस देश का शहर है ये कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो पीसीए जो है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो इसने ये कहा कि भाई इटली जो है उसकी गलती है यहां पर और इंडिया को कॉम्पनसेशन पे करना चाहिए। फिर इटली ने कहा कोई बात नहीं, हम 100 मिलियन रुपीज का ये कॉम्पनसेशन जो है वो पे करने के लिए तैयार है। और फाइनली ये केस जो है वो 2021 में सेटल हो गया। तो जब ये केस हुआ ना 2012 में, ये इटालियन मरीन वाला केस, तो इससे दोनों देशों के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो गए थे, बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, राइट? फिर दूसरा जो केस शायद आपको इसके बारे में भी पता हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील, हेलीकॉप्टर की डील हुई थी, तो इसमें करप्शन का इल्जाम लगा था यूपीए सरकार पर, आपको शायद याद हो। और इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी शुरुआत इटालियन अटॉर्नी जनरल ने स्टार्ट की थी 2011-12 में, और 2010 की ये डील थी, ये 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदने थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये करप्शन का केस जब सामने आया ना, उसके बाद भी दोनों देशों के रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गए, राइट? तो ये दो इश्यूज की वजह से रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो गए थे, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं रिपेयरिंग की, राइट? तो दोनों देशों ने 2018 में रिलेशंस जो हैं उनको रिपेयर करने की शुरुआत की। उससे पहले दो साल पहले यानी कि 2016 में हमारे उस समय के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी एक डेलीगेशन को लेकर वेटिकन गए थे, और ये 2016 की बात है, उस समय पर मदर टेरेसा जो हैं उनके कैनोनाइजेशन की एक सेरेमनी थी। तो इस कैनोनाइजेशन की सेरेमनी को सुषमा स्वराज जी ने अपने डेलीगेशन के साथ अटेंड किया। उस समय पर उनकी मुलाकात जो है वो इटली के काउंटर पार्ट यानी कि इटली के फॉरेन मिनिस्टर पाओलो जेंटिलोनी के साथ हुई, और उस समय पर यह तय किया गया कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70th ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे। फिर 2018 से जैसे मैंने आपको बताया कि एफर्ट स्टार्ट कर दिए दोनों देशों ने रिलेशंस को इंप्रूव करने के। फिर दिसंबर 2019 में हमारे एस जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर बन गए थे, तो वो रोम गए यानी कि इटली के कैपिटल गए,
और वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, गुसेप्पे कोंते, उनके उनके साथ हुई। फिर दोनों लीडर्स के बीच में, गुसेप्पे कोंते साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई थी 6 नवंबर 2020 को। अब याद दिलाना चाहूंगा कि ये कोविड वाला पीरियड था तो इसलिए वर्चुअल समिट जो है वो कंडक्ट की गई, और इस समय पर यह तय हुआ कि दोनों देश जो हैं वो एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे 2020 से 2025 का, और तब बहुत सारी चीजें जो है वो इस एक्शन प्लान में ऐड की गई। फिर 2021 में, अक्टूबर 2021 टू बी प्रिसाइज, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो इटली की ऑफिशियल विजिट के लिए गए। कोविड में भी दोनों देशों ने एक दूसरे की काफी सारी मदद की, और फिर G20 की जो लीडर्स की समिट थी वो पीएम मोदी साहब ने इटली में अटेंड की, और उस समय पर प्राइम मिनिस्टर नए आ चुके थे मारियो द्रागी, तो मारियो द्रागी साहब के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई। और ये सारी चीजें यही दिखाती है कि 2016 से और पर्टिकुलरली 2018 के बाद दोनों देशों के रिलेशंस जो है वो रिपेयर होने लगे। मार्च 2023 इस साल पीएम मेलोनी जो इटली के नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत की स्टेट विजिट पर आए, और दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग हुई। और आप देखिए कि 2016 से अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर के जो टॉप लीडर हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे। अब हम बात करते हैं मेलोडी के बारे में, राइट? दिस इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेलोनी और मोदी। तो इन दोनों का जो नाम है, जो कॉमनली हम कहते हैं मोदी साहब और वहां पर मिस मेलोनी कहा जाता है, तो इन दोनों के बीच में मींस काफी अच्छा रेपो है, काफी अच्छे रिलेशंस हैं, तो इसकी वजह से ये हैशटैग मेलोडी जो है वो काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो अब दोनों देशों ने ग्रीन इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रांजिशन, ये सारी चीजों पर एक दूसरे को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। डिफेंस को प्रोडक्शन को लेकर भी दोनों देश जो है वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, को इनोवेशन, ब्लू इकोनॉमी, और इसी के साथ साथ बायलैटरल रिलेशंस जो हैं इनको और ज्यादा मजबूत करना, ये सारी चीजें जो हैं ये अब दोनों देशों के एजेंडा का पार्ट हैं। और ये सारी चीजों से ये हुआ कि दोनों देशों के बीच में जो सिर्फ एक द्विपक्षीय संबंध थे, बायलैटरल रिलेशन जो था, अब इसको एक नया लेवल दिया गया, अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बन चुकी है, और दोनों जो है वो स्टार्टअप ब्रिजेस क्रिएट कर रहे हैं। इटालियन स्टार्टअप कंपनीज जो हैं वो भारत को, और भारत की कंपनीज जो है वो वहां की कंपनीज को सपोर्ट कर रही है, और इंडिया और इटली जो है तो उनके रिलेशंस आप यहां पर देखिए कि जो राइजिना डायलॉग हमारे देश में हर साल होता है ना, तो यहां पर फॉरेन के डेलीगेट्स आते हैं, फॉरेन अफेयर्स के बारे में डिस्कशन होती है, तो राइजिना डायलॉग जो है तो इसमें चीफ गेस्ट और कीनोट स्पीकर के तौर पर पीएम मेलोनी को बुलाया गया था। और G20 की लीडर्स समिट हुई तो सितंबर 2023 में मेलोनी मैम जो है वो फिर से भारत की यात्रा पर आए थे। और G20 के दौरान जो IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, तो इसको भी इटली जो है उसने स्वीकृति दी है। तो ये सारी चीजें ऐसी हुई जिससे रिलेशंस जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल होने लगे, वापस ट्रैक पर आने लगे। अब हम नंबर्स की बात करते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड देखिए 2021-2022 में $13.229 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ दोनों के बीच में, और अगर आप 2020-21 का आंकड़ा देखेंगे तो उससे ये 50% ज्यादा है। दिस मीन्स के रिलेशंस में और ट्रेड में काफी बड़ा स्काई रॉकेट उछाल हमें देखने को मिला है। इसी के साथ इंडिया की बात करें तो इटली जो है वो यूरोपियन यूनियन जो क्षेत्र है, एक इकोनॉमिक जो एक उनका यूनियन है, तो उसमें फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर भारत का कोई है तो दैट इज इटली इन यूरोपियन यूनियन। और इटली की बात करें तो 600 से ज्यादा इटालियन कंपनीज जो है वो हमारे देश में एक्टिव है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बात करें तो ऑफकोर्स फियट है, पियाजियो है, फेरेरो रोशे, ये एक बहुत ही फेमस चॉकलेट है, राइट? आई एम श्योर आपने कभी ना कभी खाई होगी। बच्चों में किंडर जॉय काफी फेमस है, और टिकटैक जो आती है माउथ फ्रेशनर, तो वो भी ये कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो इटालियन ब्रांड्स हैं जो हमारे देश में काफी ज्यादा फेमस हैं, राइट? डिफेंस सेक्टर में दोनों देश जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। 2021 में उस समय के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने साहब जो हैं वो इटली की यात्रा पर गए थे, और 14 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि इतने बड़े ऑफिसर जो हैं वो इटली की यात्रा पर गए हों। इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि वो भारत के साथ अपने जो डिफेंस के रिलेशंस हैं इनको रिबूट करना चाहते हैं। और जो इंडिया में फरवरी 2023 में जो एरो शो हुआ था, एरो इंडिया शो, तो इस एरो इंडिया शो में डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपने डेलीगेशन के साथ यहां पर आए थे। इसके साथ इंडियन ओशियन रीजन में भी इटली काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और यहां पर उन्होंने IFCIOR यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, ये एक ऑफिस जो है वो यहां पर उन्होंने डेडिकेट की है, बनाई है, राइट? और यहां पर ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया गया है, और मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, तो ये सारी चीजों में इंडियन नेवी के साथ मिलकर इटली जो है वो काम कर रहा है। अब रही बात चाइना की, नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो इटली वाज द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन का देश जिसने
BRI को ज्वाइन किया था, लेकिन अब इटली जो है वो समझ चुका है कि BRI से उनको सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, राइट? तो इटली ने ये डिसीजन ले लिया है कि वो इस BRI में से निकलने वाला है। भारत जो है वो पहले से ही BRI का विरोध करता है, उसके पीछे मेन रीजन ये है कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है तो इसका उल्लंघन हो रहा है, राइट? हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन हो रहा है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पोर्शन है तो वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है जो BRI का ही पार्ट है, तो भारत ने इसका विरोध किया था। तो इंडिया तो पहले से ही BRI के खिलाफ था। अब जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मेनोली, उन्होंने भी कहा है कि वो ये BRI को ज्वाइन करके इटली ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और उन्होंने बीजिंग को ये भी बता दिया है कि आने वाले समय में वो होपफुली नेक्स्ट ईयर जो है वो ऑफिशियली इटली जो है वो BRI से डिटैच होने वाला है। चाइना और इटली के बीच में जब रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे तो उस समय की जो सरकार थी इटली की, उनको यह लग रहा था कि इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि इसमें इटली का नुकसान हुआ है। इटली का जो एक्सपोर्ट था वो 14.5 बिलियन से इंक्रीज होकर 18.5 बिलियन यूरोज हुआ, ठीक है? लेकिन चाइना का एक्सपोर्ट जो इटली में है ये 33.5 बिलियन यूरोज का था, ये इंक्रीज होकर 50.9 बिलियन का हुआ। तो इटली उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन चाइना ने बहुत सारी चीजें जो है वो इटली में एक्सपोर्ट कर दी, उनको बेच दी, राइट? चाइनीज FDI जो है इटली में, इट वॉज $650 मिलियन इन 2019, और 2021 में सिर्फ $33 मिलियन ही इन्वेस्ट किया। तो यहां पर इटली को कोई ऐसा खास फायदा देखने को नहीं मिला। लेकिन इंडिया और इटली के फ्यूचर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। So, दोस्तों ये था एक ओवरव्यू। इसी के साथ ओवरव्यू के साथ साथ हमने कुछ छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के भी बारे में बात की है, राइट? माइक्रो डिटेल्स भी हमने डिस्कस की, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया और इटली के रिलेशंस जो है वो काफी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, रही बात लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम की, तो सेकंड इसका जो लेक्चर है वो सैटरडे को लॉन्च होने वाला है, राइट? और फर्स्ट लेक्चर जो है ये हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप स्टडी ग्लोज पर जाइए, यू विल फाइंड दिस लेक्चर, और सिर्फ आप एक लेक्चर को देखिएगा एंड यू विल फाइंड के कितनी सारी चीजें जो हैं वो गहराई से हमने डिस्कशन की है। लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझा है, राइट? लीडरशिप की स्किल्स जो हैं वो हम सब कल्टीवेट कर सकते हैं, हमारे अंदर जो लीडर है उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी, और इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।